क्या रूस यूक्रेन से युद्ध हार रहा है? 7 महीने इस युद्ध को होने को हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया है कि उनकी सेना ने करीब 6000 स्क्वायर किलोमीटर का अपना इलाका रूसी कब्जे से इस महीने आजाद करा लिया। इसमें एक इलाके की बात खूब हो रही है और वो इलाका है खारकीव का। दावा यहाँ तक है कि खारकीव के अलावा रूस के बॉर्डर से सटे 50 किलोमीटर पहले तक का इलाका अब यूक्रेनी सेना के कब्जे में आ गया है। वहीं रूसी सेना का कहना है कि ये एक स्ट्रेटेजिकल चीजों को मैनेज किया जा रहा है और यूक्रेन के खिलाफ उनका युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक वो अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर लेते। रूस यूक्रेन के प्रयासों से इतर क्या वाकई इस महीने यूक्रेन ने एक रिमार्केबल वापसी कर ली है और इससे कितना फर्क पड़ेगा ये समझना पड़ेगा। फिलहाल बताया ये जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि बीते 24 घंटों में रूस के कब्जे से 20 शहरों को यूक्रेन ने छुड़ा लिया है। सवाल यह है कि क्या रूसी सेना ने किसी तरह की कोई रणनीतिक फेरबदल की है? अब दक्षिण डोनबास के इलाके में ही रूस का कब्जा रह गया है। यूक्रेन सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि खारकीव से रूसी फौजें वापस जा रही हैं, ना कि यूक्रेन ने रूस को हरा कर वहां से इस इलाके को कब्जे में लिया है। रूस का कहना है कि वो अब भी यूक्रेन की कार्रवाई का सख्ती से जवाब दे रहा है। इधर यूक्रेन के मोर्चे पर रूसी सेनाओं के पांव उखड़ते देख राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने ही घर में घिरे हुए नजर भी आ रहे हैं। रूसी संसद में पुतिन की पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि गलत फैसलों के कारण रूसी सेना यूक्रेन के मोर्चे को फतह नहीं कर पा रही। यूक्रेन की सेना को जो फायदा मिल रहा है उसके पीछे एक बड़ा हाथ अमेरिकी हथियारों का है। खासकर खारकीव सहित पूर्वी इलाकों में यूक्रेनी सेना अमेरिकी हार्म मिसाइलों से रूसी सेनाओं पर कहर बरपा रही है। फाइटर जेट से दागी जाने वाली ये हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के रडार पर हमला करती है। अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसी 1200 मिसाइलें दी हैं। रूसी रडार सिस्टम के पास हार्म मिसाइल की कोई काट नजर नहीं आ रही और इसीलिए दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन को रूस पर कुछ इलाकों में कामयाबी हासिल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।